कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से काम किए योगी जी? योगी ने जो काम किया है गुंडागर्दी सब खत्म कर दी। कौन सा गुंडागर्दी? अरे गुंडागर्दी ये जो रोड में पानी लगी हुई है, नाला भी इधर बनना चाहिए। यहाँ ये दिखाओ पानी इधर, ये नाला भी तो बनना चाहिए। ये रोड पे पानी लगा हुआ है, ये विकास है ना। योगी सरकार ने सब कुछ किया है। क्या क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया? जनता को सब कुछ मिल रहा है। गरीबी हटाई है सबकी, हटाया है, बैठा हुआ जनता है। ये सारे रोजगार, सुनिए, योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म हो गया। अरे भैया पेट में तो खाने के लिए नहीं है यार, ये क्या गुंडागर्दी खत्म करेगा यार? काम करा किसी ने, फीता काटा किसी ने, ये अखिलेश के काम किए हुए हैं और मोदी ने आके। ये जिंदगी में जो है ना, ये बीजेपी के जैसे जो है ना कभी भी नहीं देखे थे, जितना परेशानी हो रहा है। कमाते हैं तो स्कूल फीस नहीं भर पाते हैं यार, खाने के लिए। तो आपको आगे मिल जाएगा, चलो स्मार्ट गांव दिखाते हैं। आगे सारा स्मार्ट गांव है। विकास के चक्कर में गरीब का मार दो लगता रहा। हम लोग बीटेक कर रखे हैं, बीटेक करके रोड पर के घूमते रहते हैं। बताइए रविंद्रनाथ टैगोर का कॉपी मारे तो जैसे पॉलिटिक्स आती है, जिस एरिया में आती है उसके कॉपी मारता है। ये सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होने वाला भैया, पलटी होने क्या होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। कौन आएंगे? अखिलेश यादव। कौन आएंगे? अखिलेश यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़, मैं आपके साथ आनंद यादव। देश में आज जब संसद में मानसून सत्र शुरू हुआ तो देश की जनता ने अपनी सारी निगाहें जो थी वो संसद की ओर लगा दी कि क्या संसद में आज उनके महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल, आम जनता के बारे में बात होगी या नहीं होगी। लेकिन जब संसद जो शुरू हुआ, सत्र शुरू हुआ, तो वहाँ के जो माननीय चुने हुए सांसद लोग थे आपस में ही लड़ने लगे, जनता का किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखना दिलचस्प है कि महंगाई पर तो बात हुई ही नहीं, तो जनता क्या कहेगी? क्या लगता है 4.5 साल में जितना काम हुआ है योगी जी ने वो कैसा किया है? और आज मानसून सत्र में जनता उम्मीद कर रही थी कि मोदी जी महंगाई पर बोलेंगे, लेकिन वो अपने मंत्रियों का परिचय गिना रहे थे, कैसे देखते हैं? देखते हैं तो ये जी कि रेट इतना महंगाई आसमान छू रखा है कि कह नहीं सकते। मिडिल आदमी तो कुछ जो कमाता है वो सब खाता पीता वही रह जाता है, कुछ तो कर ही नहीं रहा है, यही सब बात है। ठीक है, तो ये महंगाई बढ़ता जा रहा है। आप बताइए क्या लगता है 4.5 साल में कितना काम हुआ है? भाई साहब 4.5 साल में तो मुझे लगता है कि माइनस में जा रहे हैं हम, मुझे लगता है कि माइनस में जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है देश ऊपर जा रहा है। अरे देश कहाँ ऊपर जा रहा है, GDP कहाँ से कहाँ चला गया, माइनस में पता मुझे लगता है कि अगर ये सरकार, मैं तो सोचता हूँ कि 5 साल और आ जाइए, मैं इसलिए सोचता हूँ कि 5 साल ये और आ जाए। कौन सरकार चली थोड़ा? सरकार की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो 5 साल और आ जाए क्या होगा उससे? और पीछे जाएंगे, मैं जानता हूँ। ये इसके आने से मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ है, न हमें हुआ है, न पूरे देश को हुआ है। क्या बात कर रहे हो, कह रहे कि आज तक देश ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा ही नहीं? हाँ देखा हूँ ना, आजकल वो क्या है ना, जब बंगाल में चुनाव हुआ तो क्या है, मतलब कॉपी मारता है ऐसा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का कॉपी मारे तो जैसे पॉलिटिक्स आती है, जिस एरिया में आती है उसके कॉपी मारता है। ये इसके पास कुछ है नहीं, पढ़ा लिखा रियलिटी में तो कुछ है नहीं। हमारे तरह लड़के पढ़े लिखे डिग्री लेकर रोड पे घूम रहे हैं, रोजगार है नहीं। कह रहे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है भैया, रोड पर तो भटकता रहा। हम लोग बीटेक कर रखे हैं, बीटेक करके रोड पर के घूमते रहते हैं। बताइए कहाँ नौकरी मिलता है? आप बताइए पी रहे हैं तो क्या लगता है महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है लेकिन वो दुख में पी रहे हैं, आपको मिला रोजगार? दुख में पी रहे हैं और का? कहाँ बढ़ी है महंगाई? नहीं बढ़ी है, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। सब तो दुनिया मौज कर रहा है यार। देखिए कह रहे महंगाई बढ़ी नहीं है। कहाँ बढ़ी है महंगाई? मौज का महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन गैस हो गया 900 रुपए, सरसों का तेल का कीमत महंगाई बढ़ने वाली बात है। विकास होगा सब कुछ बड़ा होगा और रह गई विकास हो गई कहे की विकास हो गई विकास घंटे का विकास करने के चक्कर में गरीब मार दो नहीं नहीं विकास के चक्कर में गरीब का मार दो। नौ बात बताइए क्या 900 रुपया का सिलेंडर है, 104 रुपया का पेट्रोल पहले सस्ता था, जो 60 तेल 60 रुपए किलो मिल रहा था वो 200 रुपए में मिल रहा है, जो रिफंड 70 रुपए मिल रहे थे 170 में मिल रही है। काहे कि क्या हुआ अभी 2022 में चुनाव है, क्या होगा 22 में? 22 में कुछ नहीं होने वाला है। योगी नहीं नहीं योगी जी वाला योगी जी चेंज होंगे, बिल्कुल हटाओ मोदी सरकार हटाओ, योगी सरकार चलनी चाहिए, इसका प्रशासन सही चल रहा है, योगी सही है, बिल्कुल
बिल्कुल मोदी जी गलत है, ये कह रहे योगी जी सही है, योगी जी ना तो सही रहेंगे। नहीं क्या बात हुआ सर, क्या बात हुई? अरे इधर आइए, थोड़ा आगे आइए। मैं कह रहा हूँ 22 में चुनाव है, 4.5 साल हो गए योगी सरकार को, तो कितना काम किया सरकार ने? कुछ भी नहीं किया, पता चल रहा है कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर पेट्रोल स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव यूपी बहुत आगे चला गया। ये कुछ भी चल रहा है, स्मार्ट गांव आपको आगे मिल जाएगा। चलो स्मार्ट गांव दिखाते हैं, आगे सारा स्मार्ट गांव है। बता दीजिए क्या हुआ सारा स्मार्ट गांव? आपको लाइट को लेके, बिजली को लेके सारा चीज आपको कंडीशन बेड मिलेगा। अपना फायदा कर रही है, अपना फायदा कर रही है। अच्छा एक बात, आज मानसून सत्र था, मानसून सत्र तो देश की जनता उम्मीद कर रही थी कि जो महंगाई है, पेट्रोल का दाम है, उस पर मोदी जाकर बात करेंगे, थोड़ी राहत देंगे। लेकिन मोदी जी वहाँ अपने नए मंत्रिमंडल में जो मंत्री आए हैं उनके नाम गिराने में लग गए, तो कैसे देखते हैं ये आप लोग? कंडीशन बहुत खराब इसलिए कर रखे है ना कि आगे हमको वोट मिलेगा, हम इनको बना रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। आज इसको छोड़ दिया, ओबीसी को छोड़ दिया, सब मान्य को छोड़ दिया, तो इसीलिए पकड़ पकड़ के बना रहे हैं। इस रोड पे खड़े हैं आप, 70 साल से बना नहीं था ये, आज इस रोड पे खड़े हैं, आज चल पा रहे हैं लोग। बताइए कह रहे 70 साल अंकल को, मैं बता अंकल आपके लड़के हैं। अरे अंकल एक सेकंड, आपके लड़के हैं है, लड़के बच्चे हैं या नहीं ये बताओ आप? बच्चे हैं जॉब करता है या जॉबलेस है? सभी लोग जॉब करते हैं। कौन सी फील्ड में करता है जॉब? कौन सी फील्ड बताओगे कुछ? मुझे नौकरी दोगे और दे सकते हो नौकरी देने वाले भाई? सब इसमें पूछिए, सभी लोग काम करिए भी जॉब। सरकार को आपने चुना है तो सरकार से नौकरी मांगी है ना भैया? ऐसी सरकार है ना, ऐसी जो अंकड़ के इनकी तो क्या कहते हैं, उम्र तो खत्म हो गई इन्हीं तो जिन्हें। ये रोड की बात करें ना, मैं भी 10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। आप बताइए किसने रोड बनाया ये बताओ? किसने ये हुआ, चंदा हुआ है तब बनाया ये रोड? बताइए सरकार, पब्लिक के पैसों के चंदे से रोड बन रही है? महिलाओं से बात करते हैं क्या? अच्छा 7 साल में तो बीजेपी रही है ना, कांग्रेस की वजह से बड़ी है। अच्छा कैसे? क्यों नहीं बड़ी है? क्योंकि उनने पहले क्या कर रखा है आपको पता भी है? क्या किया है बताइए ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं शून्य हूँ, आप बताइए। नहीं आपको सब पता है? अरे बताइए ना, बताइए क्या बताएगा? आप बताओ ना, आप बताइए ना, आप बताइए। हम तो बता रहे हैं सर, सब जानते हैं, आप बताओ। कांग्रेस ने पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ाया बताइए? पेट्रोल का दाम उनने पहले क्या करी है वो तो कांग्रेस से आप पूछ सकते हो। अरे कांग्रेस की आम जनता यहाँ पर खड़ी है, आपने वोट दिया कि नहीं दिया है? हाँ थोड़ा आगे आइए, ये कह रहे हैं कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई है। बीजेपी जितना महंगाई, ये मेरे लैब का जो ना, मेरा 38 साल उम्र है भैया, दिखा मेरा 38 साल उम्र है। ये जिंदगी में जो है ना, ये बीजेपी के जैसे जो है ना कभी भी नहीं देखे थे, जितना परेशानी हो रहा है। क्या कह रहे? जिस तरह से मेरा 38 साल उम्र है, 38 साल के अंदर में प्रधानमंत्री मैंने कई देखा, आया गया, लेकिन जितना महंगाई ये बीजेपी सरकार में देख रहा हूँ, जब से कभी GST, कभी नोटबंदी, कभी कुछ, रोजगार नहीं, कुछ नहीं, आदमी बहुत काफी परेशान है। क्या बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि देश नंबर 1 जा रहा है, विकास आसमान की ऊंचाई है। अरे भैया यहाँ खाने के लिए पेट में नहीं है, बच्चे जो है कमाते हैं तो स्कूल फीस नहीं भर पाते हैं यार, खाने के लिए स्कूल चल रहा है क्या? अरे भैया स्कूल का पैसे महीना का महीना पूरा ले रहा है, बट चाहे पढ़े या नहीं, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, पैसे ले रहा है पूरा। अब बच्चा ऑनलाइन क्या पढ़ेगा, वो किसी के पास मोबाइल? 2022 में चुनाव है यूपी में, क्या होगा भैया? क्या होगा, हम लोग तो वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है। योगी कैसे बात हुआ लीजिए देखिए भैया, ओ भैया योगी ने क्या दे दिया, क्या दे दिया कांग्रेस ने? 70 साल से कांग्रेस का राज हुआ, 70 साल उसमें बीजेपी का भी था, उसमें बीजेपी का राज, बीजेपी का था। अटल बिहारी वाजपेयी सर था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब 70 साल से जो हम रोड पर घूम रहे हैं ना, योगी का देन है, योगी का देन है, कांग्रेस का देन है, योगी का देन है। नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए, योगी जी के 5 विकास के काम गिनवा दिए कैमरे के सामने। कोई नहीं काम करके, अरे योगी जी के 5 के विकास के काम गिनवाइए ना, जनता खड़ी है, गिना ये मैं गिन रहा हूँ। झूठ बोल रहा है, सुनिए काम गिनवाए, 3 तलाक मोदी ने किया है, वो तो मोदी जी ने किया है, योगी जी का वो तो हाल में लागू करने वाले। काम पे बात कीजिए, काम पे देखिए, बात करें यार, काम पे रोजगार पे खत्म किया योगी जी ने, गुंडागर्दी खत्म हो गया। अरे भैया पेट में तो खाने के लिए नहीं है यार, ये क्या गुंडागर्दी खत्म करेगा यार? कौन सी खत्म हुई है ये बताओ, हमसे बात करो, मैं बात कर रहा हूँ, मुझसे बात करो, मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी गुंडागर्दी खत्म हुई है बोलो?
महिलाएं महिलाएं कितनी सुरक्षित है यूपी में महिलाएं? मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझसे बात आप बताइए महिलाएं कितनी सुरक्षित महिलाएं? महिलाएं कितनी? मेरी बात सुनिए, योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कितनी बेटी सुरक्षित है योगी सरकार में बताइए? नहीं है, नहीं सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। बताइए जितने बड़े बड़े गुंडा निकले हैं सब जेल में है। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। अब देखिए मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा है कि योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये कह रहे हैं कि खिलाफ थोड़े। अब दोनों लोग से सवाल कर लेता हूँ मैं, कि जितना खड़ंजा बना है कौन सरकार बनवाई है? जवाब दे लूँ? आप बताइए किसने किया है? क्या कह रहे हैं सारे रोड खड़ंजा बीजेपी ने बहुत कुछ किया? अखिलेश के घर में कहा है वैसा खड़ंजा? नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अब बताइए बताइए अखिलेश का किया हुआ है? ये सब अखिलेश का किया हुआ है, तभी हो रहा है। काम करा किसी ने, फीता काटा किसी ने, ये अखिलेश के काम किए हुए हैं और मोदी ने आके। अच्छा एक पब्लिक ओपिनियन कर लेता हूँ मैं, एक मिनट रुकिएगा। जितने लोग अखिलेश यादव के चाहते हैं सरकार में आए, वो लोग अपने हाथ खड़े कर दीजिए अखिलेश वाले, और जो लोग चाहते हैं योगी जी वो खड़े कर ले योगी जी वाले। योगी जी भाई देख लीजिए, आपके सामने है, आम जनता है, रोड पर खड़े हैं, नतीजा ये है। अच्छा यार कौन सी नौकरी निकाली है? कह रहे हर साल 2 लाख। कौन सी बेरोजगार घूम रहे हैं? देखिए सब बेरोजगार खड़े यहाँ पे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। योगी सरकार जिंदा। आगे आइए आगे आइए थोड़ा, आगे आइए आगे आइए आगे आइए थोड़ा थोड़ा बात करते हैं ना थोड़ा। इधर कैमरा चल रहा है उधर आके। हाँ क्या कर सरकार जिंदाबाद। कौन कौन से काम किए हैं? कौन कौन से काम किए योगी? योगी ने जो काम किया गुंडागर्दी सब खत्म कर दी। कौन सा गुंडागर्दी? अरे गुंडागर्दी कहाँ है तुम कह रहे हो भाई? गुंडागर्दी पूरा गुंडागर्दी योगी और सरकार है। और दूसरा योगी सरकार ने सब कुछ किया है। क्या क्या किया? क्या किया? क्या न किया? जनता को सब कुछ मिल रहा है, गरीबी हटाई है सबकी। क्या हटाया है? बैठा हुआ जनता है ये सारे रोजगार। सुनिए भाई साहब 2 मिनट हमारे, ये जो रोड में पानी लगी हुई है नाला भी इधर बनना चाहिए। यहाँ ये दिखाओ पानी इधर, ये नाला भी तो बनना चाहिए, ये रोड पे पानी लगा हुआ है। ये विकास है ना? विकास है तो कौन करेगा ये सरकार? अच्छा हम लोग बात है, जब से हम लोग यूपी चुनाव का सर्वे कर रहे हैं, हम लोग विकास ढूंढ रहे हैं और विकास मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। हम लोग ऊपर नीचे हर जगह देख चुके हैं, विकास नहीं मिल रहा। तभी तो विकास मिलेगा। नहीं है क्या? क्या विकास? हमको तो नहीं दिख रहा विकास। अच्छा 2022 में क्या होगा बताइएगा? सत्ता परिवर्तन होगा या सरकार रहेगी? सत्ता परिवर्तन होगा भैया, पलटी होने क्या होगा? सत्ता परिवर्तन होगा। कौन आएंगे? अखिलेश यादव। कौन आएंगे? अखिलेश यादव। इतनी नाराजगी है? अखिलेश यादव। अच्छा सब लोग कह रहे अखिलेश यादव, एक दूसरे कर रहे जनता का ये लगा कि ये आगे है कि ये बीजेपी वाले विकास करेंगे। 17 में क्यों ऐसा है? अब 17 में हुई हो ना हुई हो, किसी वजह से नहीं हुई, लेकिन अब होगी। हाँ जब मेरा सपोर्ट है तो सबका सपोर्ट है। लगातार बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही जाकर के आम पब्लिक में ग्राउंड सर्वे ऑन द स्पॉट जाकर के जमीनी हकीकत है जो बिल्कुल जाकर के लोगों की जो मन की बात है आप लोगों को लगातार हम लोग दिखाते रहेंगे। लगातार बने रहिए DS4 न्यूज के साथ। नमस्कार।